गैस, ये सारा चीज तैयार है। सुबह अब यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह। मैं भारत जो है, संपूर्ण भारत जो है वो मैं अपने बाइक के साथ मैं राइड करना चाहता हूँ। रात और दिन जो है ये खुले रखा था ना, बंद नहीं करते इसको कभी भी। तो कुछ फूड सब भी जो है, क्या कहते हैं, पैकेट फूड सब भी खरीदना है, तो वहाँ रुकेंगे। Hey guys, welcome back to another vlog. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइस अभी दिन के बज चुके हैं 12:30 और फिर से एक नए काम के लिए, एक नए फ़र्ज के लिए हम हो चुके हैं तैयार। फ़र्ज क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी गाइस ये सारा चीज़ तैयार है। सुबह अब यहाँ से निकलते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what. सो फाइनली गाइस अब मैं ये हाइप जो है, अब मैं ये हाइड एंड सीक का जो ये गेम है, अब मैं इसको खत्म करता हूँ मैं। और मैं आपको अभी मैं साफ साफ बताता हूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ और किस लिए, मतलब किस काम से घर से बाहर मैं जो है निकला था। तो आज मैं अभी मैं आप सबको बताता हूँ। और अभी हो चुका असर का टाइम और अभी अजान हो रही थी अभी तो। वेल एक्चुअली ऐसा था कि आपने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा अभी कि मैं, मतलब क्या कहते हैं, एग्ज़ाम को लेकर के अपनी जो मेरी प्यारी छोटी बहन जो है, मैं उसको लेके आता था, लेके जा करता था। तो उसका जो 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 एग्ज़ाम था वो हो चुका था ख़त्म अभी। तो इसीलिए वो अपने हस्बैंड के घर जो है, मतलब गई नहीं, वो मैं उसको अभी छोड़ के वहाँ से लौट रहा हूँ, क्या कहते हैं, मधेपुरा से मैं अभी उसको छोड़ के लौट रहा हूँ। सिंहेश्वर से निकल चुके हैं अभी और अभी हैं बीच रास्ते में ही, तो यहाँ से घर जाने में लगभग अभी 1 से 1.5 घंटा भी और लगेगा अभी। तो वेल अभी हम कहाँ हैं वो देख सकते हैं आप। ये इस साइड ये सड़क और ये अपनी ब्लैक पैंथर है और यहाँ कुछ छोटे मोटे यहाँ पे बच्चे हैं अभी। और मतलब अगर आप किसी के काम में आ रहे हो, आप अगर आप किसी के लिए अपना नींद सुकून चैन हराम कर रहे हो आप, तो जिंदा हो आप, तो वाकई में आप शख्सियत हो आप तब, ठीक ना। तो वेल आदमी हर हाल में किसी ना किसी के काम आना चाहिए, तो इंसान का नाम और काम चला करता है। तो वेल अब यहाँ से निकलते हैं। कल है रक्षाबंधन है कल, तो आप सबों को हमारी और से भी हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, प्यारे मित्र एंड मित्रानियों। सो वेल अब यहाँ से निकलते हैं। आप लोग जिस तरह से प्यार कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे को लगता है इंशाल्लाह वो ख्वाब जो है, जो हमारा जो ख्वाब है, वो बहुत जल्द जो है आप सबों के साथ जो है, हमारा एक विश है जो कि मतलब संपूर्ण भारत जो है मैं अपने बाइक से जो है मैं राइड करना चाहता हूँ। तो ये हमारा एक ख्वाहिश है जो कि मेरे को लगता है कि मैं अभी जैसे काम कर रहा हूँ, तो और आप सबों का प्यार और सपोर्ट देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम सब दोस्त लोग मिल के जो है ये एंजल व्लॉग्स परिवार सारे मिल के जो है हम लोग सभी दोस्तों को जो है पूरा भारत दिखाऊं। तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह हम लोग पक्का जो है संपूर्ण भारत जो है इस ब्लैक पैंथर के साथ जो है हम लोग तय करेंगे। तो बहुत जल्द बस ये सपोर्ट और प्यार जो है बनाए रखिए। जाएंगे कोई चाय वाय की दुकान पे, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और मैंने अपनी चीकू से कहा था कि बेटा आज हम आपके लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके आएंगे हम आज, तो चीकू के लिए जो है ना बहुत सारा चीज जो है हमको लेके जाना है अभी घर पे। तो उससे पहले जो है
चाय वाय पिए पियेंगे कहीं कोई होटल पे, और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे इसको। सो मतलब अपने चीकू का समझदार बहुत है, अपने चीकू बहुत समझदार है। मतलब मैं जब एक बार उसको ठीक से बता दिया करता हूँ कि आपको नहीं जाना है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो समझती है वो बात को। मतलब वो तंग नहीं करती, कोई भी चीज के लिए मतलब झल्लाती नहीं है, या कोई भी चीज के लिए रिजिट नहीं होती है कि नहीं हमको चाय चाहिए तो चाहिए, या नहीं तो कुछ जाना है तो जाना है। तो अपनी चीकू समझदार है, मतलब मानता हूँ उसका कि हम भी थी चीकू पी को छोड़ने के लिए उसके घर वाले पूरा। तो बोले कि बेटा अभी ऐसा है कि धूप बहुत तेज है और वास्तव में आज बहुत तेज धूप है आज, तो गाइस अपनी चीकू समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। और फाइनली गाइस ये देख सकते हैं ये गणपतगंज का ये मस्जिद है, कितनी ऊंची मीनार है इसकी, माशाल्लाह कितनी ऊंची मीनार है इसकी। ये गणपतगंज की मस्जिद है ये, और राघोपुर इससे 5 किलोमीटर और आगे है। तो इस मस्जिद में मैंने 3 से 4 बार जो नमाज पढ़ा है, क्योंकि जब भी एग्जाम के टाइम में जब मैं यहाँ आता था तो टाइम जब नहीं रहा करता था मतलब, तो मैं यहीं पे आके जो है हम क्या कहते हैं नमाज वहाँ जो है वही पढ़ा करता था। और ये देखो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग विष्णु मंदिर के पास, विष्णु धाम विष्णु मंदिर के पास हम लोग पहुंचे। भाई ऐसा है कि अभी इधर कोई हमें डंकी होटल कोई दिखी नहीं हमें, तो इधर के क्षेत्र में भीमपुर में क्या कहते हैं कुल्हड़ वाली चाय जो बनती है इस क्षेत्र में भीमपुर, अगर भीमपुर से अगर आगे जाना चाहोगे आप चाय सुट्टा जो है एक प्लेस का है नाम जलालगढ़, अपने क्षेत्र में जलालगढ़ और भीमपुर ये दोनों प्लेस जो है चाय के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। तो क्या कहते हैं जलालगढ़ यहाँ से बहुत दूर दूर है इसीलिए वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, और क्या कहते हैं भीमपुर जो है मेरे पास नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर ही है बाकी रहा आप, तो भीमपुर में रुक के वहाँ चाय वाय पी के फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे। दिन और रात दोनों टाइम में जो है सेवा दिया करती है, मतलब दिन और रात कभी होटल बंद ही नहीं होती है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ जलालगढ़ और भीमपुर ये दोनों चाय के लिए बेस्ट प्लेस है हमारे क्षेत्र का, और लोग जब भी उधर से निकलते तो वहाँ से चाय डेफिनेटली लोग चाय पी के निकल सकते। गाइस वो देखो आ गई हमारी भीमपुर, रात और दिन जो है ये दुकान खुले रहा था ना, बंद नहीं करते इसको कभी भी। तो पहले क्या चाय हुआ हमने पी ली है सोवेल, अब यहाँ से निकलते हैं घर, और चीकू के लिए रास्ते में कुछ फूड सब भी जो है क्या कहते हैं पैकेट फूड सब भी खरीदना है, तो वहाँ रुक के फिर उसके बाद हम चलेंगे घर। सोवेल यहीं बन गया और चाय बहुत ही अच्छी थी। और ये बैक के कैमरे का ये सीन है ये देख सकते हो, अब ये भीमपुर का ये सीन है। अभी बनेगा जो चीकू के लिए ये सारा गिफ्ट जो है ये निकल गया है, देख ये देख सकते हैं जब वो देखेगी तो उसका क्या हाल होने वाला है आज पता नहीं। पहले का जब हम आए हैं घर अभी, और ये हमारे चीकू वो देखिए इसका स्माइल देखिए, कल छुट्टी है तो अभी से ये खुश है ना, वाह रे वाह। और यहाँ मेरे पास चीकू का गिफ्ट है जो कि देख सकते हैं आप, चीकू का गिफ्ट नहीं खोल सकता मैं पहले चीकू देगा अच्छा वाला तुम बता दो पापा को तुम्हारा भाई कौन है। पापा। आ, लो खुद अपने हाथ से ही गालो और देखो क्या क्या सब है उसमें। क्या है हमको ये सब पसंद है, बाहर बाहर निकाल के रखो ना, एक एक करके नाम के साथ क्या बोलते हैं उसको, लॉलीपॉप। कहाँ है लॉलीपॉप, यहाँ लो। और ये क्या लेज, लेज है। और पॉपकॉर्न, इसका नाम बता, डेरी सॉस, डेरी सॉस, लोटो चोको, लोटो चोको, अब खत्म दिखाओ भाई चिको दे दो चावला, इधर 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 इधर
कल छुट्टी भी है ना स्कूल में। आप बोले लेस नहीं लाने। हाँ? तो लेस दो, हम अभी खा लेंगे चाय के साथ। नहीं, तो मैं सब ले लूंगी। तो फैमिली गाइस हम घर आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं हमारी सीकू जो है लग गई है अपने गिफ्ट में, मतलब हमसे प्रॉमिस करवा के गई थी, प्रॉमिस करो अगर हम नहीं जाएंगे आइसक्रीम। ये रे बाप, अभी रात हो गई ना, तो रात को आइसक्रीम खाओगे कल। ओके ओके, सो वेल गाइस आज का ब्लॉग गाइस यहीं पे खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग आज की हमारी ब्लॉग अच्छी लगी होगी। सो वेल गाइस मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, सब बखैर, फी अमानिल्लाह।